मित्रों नमस्कार, मैं वैद्य जेपी और सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए आज हम शिलाजीत के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। शिलाजीत से क्या लाभ होता है, कैसे इसकी हम पहचान कर सकते हैं कि शुद्ध है या नहीं है, किन किन रोगों में ये काम आता है, कौन इसे प्रयोग कर सकता है, कितनी मात्रा में इसे प्रयोग किया जा सकता है और किस प्रकार इसको प्रयोग किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर हम आज संपूर्ण चर्चा करेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी शिलाजीत के विषय में देंगे। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई बहन हमसे नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता और हमारा उत्साह बढ़ता रहता है और हम आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं। तो लीजिए शिलाजीत के विषय में देखिए, जैसे ही इसका नाम है शिलाजीत, शिला का अर्थ होता है बहुत बड़ा विशाल चट्टान। तो ये चट्टान को जीत करके निकलता है, यानी शिला का ये एक प्रकार से गोंद है या शिला का पसीना इसको कह लीजिए। यह अधिकतर तिब्बत की पहाड़ियों में और हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है, तो इसको वहां से इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के पश्चात इसको शुद्ध किया जाता है। इसको पहले गर्म करते हैं, गर्म करके इसको भली प्रकार से छाना जाता है ताकि इसमें से मिट्टी और पत्थर के कण निकल के बाहर हो जाए और तब इसको काम में लिया जाता है। देखिए शिलाजीत एक आयुर्वेद में एक ऐसी औषध है जो प्रत्येक रोग में कामयाब है। वात पित्त कफ तीनों का शमन करती है, तीनों को समान अवस्था में शरीर में लाती है और सप्त धातुओं का निर्माण करती है। इसको इसीलिए रसायन कहा गया है। रसायन उसी द्रव्य को कहा जाता है जो हमारी आयु में वृद्धि करता है, प्रतिरक्षात्मक प्रणाली को विकसित करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और समय से पहले वृद्ध अवस्था हमें प्राप्त नहीं होती, हमारी रोगों से प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार से शिलाजीत सभी रोगों में प्रयोग होता है, चाहे पेट का रोग हो, त्वचा रोग हो, किसी को शुगर हो, शुगर वालों के लिए तो ये वरदान है, मूत्र की समस्या हो या किसी को पीलिया हो गया या मिर्गी का रोग है, पेट में कीड़े हो गए हैं, तमा है, खांसी है या शरीर में दर्द है, इस प्रकार से इसका प्रत्येक रोग में प्रयोग किया जा सकता है और अनेक धातुओं का मिश्रण इसमें पाया जाता है और अधिकतर जो काले रंग का शिलाजीत होता है उसमें लोहा बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वो हमारी हेमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, सप्त धातु का निर्माण करता है। आयुर्वेद में अनेक औषधियों में इसको मिलाकर के वटी कैप्सूल इत्यादि तैयार किए जाते हैं। ये एक रसायन है और स्त्री पुरुष बुजुर्ग सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर हमारी धारणा बनी हुई है, आम आदमी की धारणा बनी हुई है कि केवल पुरुष ही इसका प्रयोग कर सकते हैं और वो भी अपनी यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी धातु को मजबूत करने के लिए। यह सच है, झूठ नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ स्त्रियां भी इसका बराबर रूप में प्रयोग कर सकती हैं, उनको भी उतना ही लाभ आता है। वे अपने यौन के लिए भी इसको प्रयोग कर सकती हैं, सेक्सुअल डिजायर्स के लिए भी इसको प्रयोग किया जा सकता है और बुजुर्ग 60 वर्ष से ऊपर के आयु को तो इसको प्रयोग करना ही चाहिए ताकि वृद्ध अवस्था को वे पीछे ढकेल सके और इसको लगातार 3 महीने तक प्रयोग करें। 3 महीना प्रयोग करने के पश्चात 1 महीने का गैप अवश्य दें और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसको कदापि ना दें, क्योंकि इससे कुछ सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाती हैं। तो अल्प आयु में यदि इस प्रकार से हम देंगे, एक तो उनको इस प्रकार की आदतें पड़ जाती हैं इन चीजों को लेने की, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और देखिए इसको लेने का जो तरीका है,
वो है, या तो आप इसको दूध में लीजिए, दूध में मिक्स कर लीजिए, या शहद में मिक्स करके इसको सुबह ही सूर्योदय के पश्चात खाली पेट प्रयोग करें, चाहे दूध में मिक्स करें या शहद में मिक्स करें। और अक्सर लोगों में प्रकृति जो है अलग अलग होती है, इसलिए पहले चिकित्सक से परामर्श ले लें आप और तब इसको प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और केवल शुद्ध शिलाजीत ही प्रयोग करें। यहां व्यक्ति भ्रमित है, वो सोचता है कि शुद्ध शिलाजीत हमें मिलेगा कहां से। आज मैं आपके लिए एक असली शिलाजीत लेकर आया हूं जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी पहचान कैसे करनी है। जो शिलाजीत मैं आज आपको दिखा रहा हूं वो प्रत्येक पैरामीटर पर शुद्ध साबित हुआ है और असली साबित हुआ है। आप आग पर इसको डालिए तो इसमें से धुआं नहीं निकलता, और इसमें से गौमूत्र जैसी ही गंध आती है। यदि आप इसको सूंघेंगे तो लगभग लगभग गौमूत्र जैसी गंध आती है। गर्म पानी में डालने से यह संपूर्ण रूप से घुल जाता है, कुछ भी तली में नहीं बैठता, और इसका जो स्वाद होता है वो कड़वा, चरबरा और कसैला होता है। तो इस प्रकार से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। मैं आज आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए शुद्ध शिलाजीत, ये एक ब्रांड है, ये देखिएगा शुद्ध शिलाजीत एलसंस ब्रांड का, ये देखिए ये इस डब्बी में आता है शुद्ध शिलाजीत। ये 30 ग्राम की पैकिंग है शुद्ध शिलाजीत, ये देखिएगा 30 ग्राम की पैकिंग है, और इसकी जो कीमत है वो आज की तारीख में 640 रुपये कीमत है इसकी। तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए प्रयोग करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। ये मेरे पास एक चम्मच है, इस चम्मच की डंडी से हमको लेना है इसे, और ये देखिएगा, ये देखिए इतनी मात्रा काफी होती है एक बार में। ये 250 मिलीग्राम आप इसको मान सकते हैं, यानी एक ग्राम का चौथाई भाग आप इसको प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। इससे अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये असली और शुद्ध शिलाजीत है, बहुत कामयाब है, ये मेरा अनुभूत है, इसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं है। एलसंस ब्रांड का आप ले सकते हैं, यह आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, और अन्यथा आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं इसको, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इस प्रकार से भाइयों बहनों आज इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है शिलाजीत के विषय में। तो शिलाजीत के जो कैप्सूल मार्केट में आते हैं, देखिए वो शुद्ध और प्योर शिलाजीत नहीं होता, उसमें अनेक चीजें मिला करके वो कैप्सूल में भरा जाता है। तो आप शुद्ध शिलाजीत प्रयोग करें। ये 30 ग्राम जो शिलाजीत है ये आपको एक महीने से भी अधिक चल जाता है, यानी आप प्रतिदिन आप समझ लीजिए कि आधा ग्राम प्रयोग करेंगे सुबह और शाम, या आप केवल एक ही समय इसको लें, सुबह सूर्योदय के बाद इसको खाली पेट प्रयोग करें बस, तब आपका ये 30 ग्राम जो है 3 या 4 महीने प्रयोग हो जाता है, चल जाता है, और आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा, सप्त धातु का निर्माण होगा, और आपको कोई भी रोग जल्दी से नहीं सताएगा। जैसे कभी भी कोई वायरल फीवर चल गया तो प्रत्येक व्यक्ति उससे पीड़ित हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में यदि शिलाजीत खाने वाला व्यक्ति है तो उसको ये रोग जल्दी नहीं पकड़ते। मैं मौसम बदलते ही खांसी जुकाम हो जाता है, तो इस प्रकार के रोग आते ही नहीं जो व्यक्ति शिलाजीत को प्रयोग करता है। तो भाइयों बहनों आज ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शिलाजीत के विषय में दी है, आप इससे लाभ उठाएं और बेधड़क इसको आप परिचित कर सकते हैं, प्रयोग करें और हमें अपना अनुभव बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।